इस एडिट को करने के लिए सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए मैंने अपना इमेज सिलेक्ट कर लिया है और उसको मैंने पिक्सआर्ट में इम्पोर्ट कर लिया है। अभी उसके ऊपर मैं अपने सब्जेक्ट का फोटो ऐड कर लूंगा, तो ऐड फोटो में क्लिक करें और अपने सब्जेक्ट का फोटो ऐड कर लें। ये देखिए क्योंकि मैं बैकग्राउंड रिमूव करूंगा तो मुझे इतनी बड़ी फोटो की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं क्रॉप कर लेता हूं। ये देखिए मैंने क्रॉप कर लिया और अभी सिंपली मैं इरेजर टूल का यूज करके इसका जो बैकग्राउंड है उसको अच्छी तरह से रिमूव कर दूंगा। इरेजर का जो हार्डनेस है उसको आप 90 के आसपास सेट करें, ओपेसिटी 100 रखें और ब्रश साइज जो है वो अपने हिसाब से आप चेंज कर लें। इस स्टेज में आप जितनी अच्छी तरह से बैकग्राउंड को रिमूव करोगे उतना ही रियलिस्टिक आपका एडिट दिखेगा, तो इसको अच्छी तरह से आप रिमूव करें। मैं अभी के लिए इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं और इरेज करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको कम्प्लीटली आपको इरेज नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो एडिट होगा वो आपको नेचुरल नहीं दिखाई देगा। ये देखिए अच्छी तरह से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, तो अभी मैं उसको रिसाइज कर लेता हूँ। देखिए रिसाइज करके अच्छी तरह से प्लेस कर लिया और अभी जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मैं फिर से इरेज करूंगा, लेकिन अभी जो ब्रश का हार्डनेस है उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा और उसके बाद उसको अच्छी तरह से उसको रिमूव कर लूंगा ताकि ये देखने में रियलिस्टिक लगे। अभी इसको आप जूम आउट करके देखें, हमेशा एडिट करते समय आपका जो इमेज होगा उसको आप जूम आउट करके देखें, तभी आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा कि आपका जो एडिट है वो किस तरह का हो रहा है। ओके, तो अभी ये मेरे लिए परफेक्ट है। अभी मैं सिंपली इफेक्ट में जाके यहाँ पे एक इफेक्ट है लोमो इफेक्ट, उसको मैं ऐड कर दूंगा। ये देखिए ऐड कर दिया और अभी इसका सेटिंग्स ओपन करके यहाँ पे इसका अमाउंट मैं रिड्यूस कर दूंगा। लोमो इफेक्ट यूज करने से आपके एडिट में विग्नेट इफेक्ट आ जाता है जो कि फोटो को और रियलिस्टिक बना देता है। तो ये देखिए अपने हिसाब से मैं इसका अमाउंट रिड्यूस कर लूंगा। अभी मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका हेयर स्टाइल चेंज करूंगा, तो इसके लिए मैंने एक PNG ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था हेयर स्टाइल का, तो इसको सिंपली मैं ऐड फोटो में जाऊंगा और ये PNG मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए जो हेयर स्टाइल है यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर लूंगा। और उसके बाद आप फिर इरेजर टूल में जाके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले अपने सब्जेक्ट के साथ। तो ये देखिए अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है, तो अभी ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अभी इस फोटो में लाइट इफेक्ट डालने के लिए मैं और एक लाइट का PNG यहाँ पे ऐड कर लूंगा, तो इसके लिए सिंपली सेम प्रोसेस है, ऐड फोटो में जाके यहाँ पे आप लाइट का जो PNG है उसको ऐड कर लें। ये देखिए मैंने ऐड कर लिया, उसको आप रिसाइज कर लें, साइज थोड़ा सा बड़ा रखें और यहाँ पे आप ब्लेंड ऑप्शन में जाके यहाँ पे स्क्रीन सिलेक्ट करें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये इमेज के साथ ब्लेंड हो गया बिल्कुल। ओके, तो अभी आप ड्रॉ में क्लिक करें और करके यहाँ से आप फोटो को सेव कर लें क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग Lightroom में करेंगे। अभी आप Lightroom में इस फोटो को इंपोर्ट कर ले इस तरह से। ये देखिए इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको सिलेक्टिव टूल मिलेगा, उसको क्लिक जैसे ही करेंगे एक प्लस का बटन आएगा, उसको क्लिक करें और यहाँ से आप जो ग्रेडियंट का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लें और इस तरह से एक ग्रेडियंट ड्रॉ कर लें। और अभी अपने हिसाब से आप इस ग्रेडियंट का कलर सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इस बटन में क्लिक करके अपने हिसाब से कलर सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और कलर में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ब्लू की तरफ। ओके, और ग्रेडियंट को आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। अभी मैं सेम स्टेप फिर से रिपीट करूंगा और एक ग्रेडियंट मैं दूसरी तरफ से लूंगा। ओके, क्योंकि पिक्सआर्ट में मैंने यहाँ पे एक लाइट इफेक्ट ऐड किया था, तो लाइट जनरली येल्लो इस कलर का होता है, तो यहाँ पे मैं कलर रखूंगा येल्लो और उसके बाद मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा और टिन को थोड़ा सा रिड्यूस करूंगा और सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा। और ये सेटिंग्स आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोटो को किस तरह का लुक देना चाहते हो, तो इसीलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके आईज को जो सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हो। फोटो देखिए काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है ऑलरेडी। इसके बाद इस फोटो का वाइब्रेंस एंड सेचुरेशन को मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर लूंगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा। इसके बाद मैं मिक्स में क्लिक करके जो इंडिविजुअल कलर है उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लूंगा। रेड यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो रेड का जो सेचुरेशन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा और जो सायन है उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा उसका इफेक्ट। तो इस तरह से आप फोटो एडिट के ऊपर डिपेंड करके आप इन कलर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। ओके, तो अभी ये परफेक्ट दिख रहा है बिल्कुल। तो अभी मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा और क्लिक करके इस फोटो का टेक्सचर्स थोड़ा सा ऐड करूंगा यहाँ पे और क्लैरिटी जो होगा उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूंगा, 30-31 के आसपास रखूंगा। डीहेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करूंगा और यहाँ पे मैं विग्नेट इफेक्ट फिर से ऐड करूंगा। ये देखिए अच्छी तरह से आप उसको ऐड कर लें और फाइनली मैं फोटो का जो शार्पनिंग है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूंगा
नॉइस रिडक्शन में थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूंगा और जो कलर नॉइस रिडक्शन है उसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। और ये देखिए, ये प्रीवियस है और ये है फाइनल जो हम लोगों का एडिटेड फोटो है। और फाइनली मैं इस फोटो को सेव कर लूंगा। अगर ये वीडियो को आप लोगों को यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।